अब आ जाए यहां पे, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, याद रखिएगा फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप या पहला उसूल क्या होता है, आप कॉमन चेक करें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहां तो है ही दो टर्म्स, बताएं क्या कॉमन है। वेल डन, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकाल लिया। अब जब आपने एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स की पावर टू में से एक एक्स बाहर है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स की पावर वन रह गया, और माइनस साइन के बाद टू एक्स में से एक्स बाहर है, सिर्फ क्या रह गया, टू रह गया, एक प्लस के बाद क्या आ गया, जीरो। अब आप देख सकते हैं दो वेरिएबल वाली वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जब दो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यू जीरो के इक्वल हो, आप दोनों को अलग अलग किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, या एक्स की पहली वैल्यू आ गई, और एक्स माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, टू को उधर शिफ्ट कर दें तो एक्स की एक और वैल्यू क्या आ चुकी है, टू। तो यहां पर सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक्स के दो आंसर आ गए, जीरो एंड टू, राइट। और मैंने आप कल आपको बताया था, एक बार फिर बता दूं कि क्यों हम इनको जीरो के इक्वल करते हैं, क्योंकि जब आप अगर कोई कहे कि यार इस वाले एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप इस ब्रैकेट को इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे ना, यानी कि पूरा एक्स माइनस टू का ब्रैकेट आप इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे। ये ब्रैकेट यहां एक्स को क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके ब्रैकेट जीरो को क्या करेगा, और जीरो डिवाइड बाय ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इस वजह से एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अच्छा कोई कहता है नहीं आप इस वाले एक्स से वैल्यू ना निकालें, आप इस वाले एक्स से वैल्यू निकालें, तो इस बार ब्रैकेट बचाना होगा और एक्स को उठा के वहां फेंकना होगा। तो जब आप एक्स को वहां लेकर जाएंगे तो एक्स जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर जीरो को क्या करेगा, इस बार जीरो डिवाइड बाय एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यू हम सवाल को दोनों तरीकों से करके देखते हैं, दोनों पॉसिबल तरीकों से, कि अगर यहां से करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और अगर यहां से करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बात बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हम यहां पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी कि जो डिवाइड करवा के जीरो करने वाला स्टेप है वो यहां पर हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें इस बात की इजाजत है कि यहां पर आप ये स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं मैथ्स में आपको बहुत सारे काम डायरेक्ट करने की इजाजत मिलती चली जाती है, अदरवाइज ये बड़ा लंबा हो जाता। पहले हम इस ब्रैकेट को आ जाके जीरो से डिवाइड करवा के दिखाते, फिर वो जीरो होता, फिर ये आता एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर हम यहां पर एक्स को आ जाके जीरो से डिवाइड करवा के दिखाते, फिर जीरो डिवाइड बाय जीरो होता, फिर ये लिखा हुआ आता एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाए 115 जा लास्ट क्वेश्चन 115 जा 15 हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 15 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में बताता है क्या करना है, लास्ट टर्म में माइनस है तो आपने माइनस लिखा, माइनस करके आएगी मिडिल टर्म, साइन बताता है लास्ट टर्म, तोड़ते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है, टू। तो चलें जी वन से गिनती शुरू करते हैं, और बिल्कुल ठीक आप लोग फैक्टर्स में पहुंच भी चुके हैं, बट मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। 15 डिवाइड बाय 1 15, 15 माइनस 1 14 नहीं होगा, 15 डिवाइड बाय 2 7. पॉइंट में आ जाए तो वैसे ही आप छोड़ दें, वो 2 से तो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2 के टेबल में कोई और नंबर आ ही नहीं सकता, तो 2 से तो अटेम्प्ट करना ही बेवकूफी है, मगर अब बेवकूफी कर दी तो चले झेल लेते हैं। 15 डिवाइड बाय 3 5, 5 माइनस 3 2, तो वो दो नंबर्स 5 और 3 हैं। अब आए हम मिडिल टर्म को इन दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर 2x टूट गया 5x और 3x में, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे, दोनों टुकड़े लिख दिए हमने, जो दो टुकड़े हमने मिडिल टर्म के कर दिए हैं वो दोनों टुकड़े हमने यहां लिख दिए हैं, अब साइन लगाना है। फिर एक बार चेक करें, प्लान किसका था, माइनस के प्लान का मतलब है दोनों टुकड़ों के साथ अलग अलग साइन आएगा, तो आप ये देखेंगे कि मिडिल टर्म अपना साइन किसको देगा, तो मिडिल टर्म के पास माइनस साइन है, और मिडिल टर्म अपना साइन किसको देगा, 5x को देगा, तो माइनस साइन 5 को मिल गया, और 3 को क्या मिल जाएगा, अब दो दो टर्म्स करके कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, यहां रह जाएगा x माइनस 5, और प्लस साइन के बाद 3 के टेबल में 3 और 15 दोनों आते हैं, 3 कॉमन आ गया, x और माइनस प्लस माइनस 3 कितने सा 15, और इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में x माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन आ गया, और फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद x रह गया, सेकंड टर्म में से ब्रैकेट आने के बाद प्लस 3 रह गया, और इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, दोनों को जब आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो पता ही चलेगा कि x माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो गया है, और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल हो गया है, और x की वैल्यू निकालने के लिए आप 5 को वहां लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को वहां पे लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यू सॉल्यूशन सेट में एक माइनस 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो किसी भी एक जवाब से आप
चेक भी कर सकते हैं। तो चले माइनस थ्री से चेक करके देखते हैं। अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस थ्री पुट कर दें और एक्स की जगह भी माइनस थ्री पुट कर दें और माइनस फिफ्टीन, तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा? प्लस नाइन, माइनस माइनस टू थ्री जा, तो प्लस का स्कोर भी 15, माइनस का स्कोर भी 15, मतलब 9 से 15, 15 माइनस 15 जीरो, लेफ्ट हैंड साइड बाजू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट आवर आंसर्स आर परफेक्ट। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना अच्छे समझ आया होगा। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।